दिल्ली के सीएम आतिशी की दशहरे के मौके पर जुबान फिसल गई और अब इसी हिस्से को शेयर कर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला बोल रही है। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि आतिशी ने कहा कि असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज विजयदशमी है और पूरा देश असत्य व अन्याय पर सत्य एवं न्याय की जीत का उत्सव मना रहा है। एक तरफ तो पूरी दिल्ली पहले से ही आपके विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित है और दूसरी तरफ खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी का यह कहना है कि असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी। उनके विचार पूरे दूषित मानसिकता का खुला प्रदर्शन है और हिंदू जन भावनाओं को आहत करने का पूर्ण प्रयास भी। आम आदमी पार्टी और आतिशी को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री के विचार हैं, उसे देखकर दिल्ली के आम जनमानस ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। यह पूरा विवाद आतिशी के एक भाषण से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने दशहरा के अवसर पर दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के एक कार्यक्रम में किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि विजयदशमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें मर्यादा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। वीडियो को लेकर बीजेपी के निशाना साधने के बाद अब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आतिशी पर जमकर हमला बोला और कहा कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, असत्य और अन्याय की जीत नहीं होगी। स्वाति मालीवाल ने वायरल वीडियो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और इसी के साथ उन्होंने लिखा, नहीं आतिशी मार लेना जी, आप जितनी भी कोशिश कर लो, असत्य और अन्याय की जीत नहीं होगी। हालांकि इस वीडियो पर खबर लिखे जाने तक आतिशी या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि भाजपा ने उनके भाषण का एक हिस्सा साझा किया और यह दावा किया कि आतिशी ने कहा कि असत्य और अन्याय की जीत होगी। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। इस पूरे प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक्स पर बरखा त्रेहन ने लिखा, दिल्ली का दुर्भाग्य ये दिन भी देखना था। दिल्ली की हाई एजुकेटेड मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मार लेना असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। ऐसी ही होता है जब वामपंथी हिंदू बनने का नाटक करते हैं। एक्स पर जिगर जोशी ने लिखा, यह दिल्ली के कुछ दिन की सीएम आतिशी मार लेना जो धर्म से खुद को हिंदू बताती है मगर जिनको हिंदू संस्कृति, हिंदू त्योहार के बारे में बस इतना सा ही ज्ञान है और रामलीला के बड़े मंच पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यह दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई और पाप पर पुण्य की विजय हुई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।